भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के पूर्व नगर सेवकों ने आरोप लगाया है कि चंद्रपुर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक पसंदीदा ठेकेदार के लाभ के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जलापूर्ति कार्यों का निजीकरण करने की साजिश रची है। पूर्व भारतीय जनता पार्टी पार्षद ने अभी तक इस मामले पर अपनी स्थिति की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियों के अन्य पूर्व पार्षदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जलापूर्ति ठेकों को लेकर सनसनीखेज धमाका कर दिया। पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया कि नगर पालिका जल प्रदाय के एक ही काम के लिए एक ही समय तीन ठेके देने की तैयारी में है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दीपक जायसवाल, विनोद लभा ने कांग्रेस के अशोक नागपुरे, बापू अंसारी, गोपाल अमृतकर, प्रदीप डे, मनोरंजन रॉय, प्रसन्न शिरवार, कांग्रेस की नगर सेविका सुनीता अग्रवाल, सकीना अंसारी, विना खनके, आकाश उर्फ पिंटू साखरकर, शिवसेना पूर्व पार्षद हनुमान चौखे उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने तीनों टेंडर की कॉपी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दिखाई। इस दौरान देशमुख ने आरोप लगाया कि एक ही काम के लिए तीन महीने में तीन अलग अलग टेंडर निकाल कर तीन ठेकेदारों को नियुक्त करने की कोशिश एक फूल तीन माली के समान है। हाल ही में जलापूर्ति योजना को चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इरई डैम से तुकुम जल उपचार केंद्र से बापूपेट, दाताला, सबवेल तक सभी उपकरणों के संचालन और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। रखरखाव और मरम्मत पाइपलाइन लीकेज का काम भी एक ही ठेकेदार द्वारा किए जाने की उम्मीद है। सभी मशीनरी और उपकरणों का इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल रखरखाव और मरम्मत भी एक ही ठेकेदार द्वारा किए जाने की जानकारी है। हालांकि चंद्रपुर नगर निगम ने अप्रैल 2023 में पाइपलाइन कनेक्शन, रिसाव, मरम्मत आदि के लिए एक अलग निविदा जारी की है और यह अंतिम चरण में मई 2023 में नगर निगम प्रशासन ने जल आपूर्ति योजना के विद्युत और यांत्रिक भागों के रखरखाव और मरम्मत का ठेका देने के लिए एक और निविदा जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन एक ही काम के लिए तीन ठेकेदारों को नियुक्त करने का अनोखा रिकॉर्ड बना रहा है। इस अवसर पर उन्होंने दोहराया कि नगरपालिका अधिकारियों की भूमिका पसंदीदा ठेकेदार के लिए क्या होगा अगर वाली है। चंद्रपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ चंद्रपुर शहर की कांग्रेस तरफ से गोपाल अमृतकर एक दिन के धरने पर बैठे थे। तब कांग्रेस द्वारा आयुक्त पालीवाल को अल्टीमेटम दिया गया था कि इस गोरख धंधे को तुरंत बंद करें, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब सभी पार्षदों ने संयुक्त रूप से नगर निगम की एक फूल तीन माली का पुरजोर विरोध कर तैयारी की है। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ ने नागेश बंडेवार ने सर्वपक्षीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नगर निगम की विशेष बैठक में ठेका रद्द कर जलापूर्ति योजना चलाने का निर्णय लेने के बाद तीन वर्षों से सुविधा आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इस पद्धति को दरकिनार कर पूरी योजना चलाने और एक ही ठेकेदार को रखरखाव और मरम्मत का काम देने का उद्देश्य जलापूर्ति योजना का गोल मोल तरीके से निजीकरण करना है। ऐसा एक बार फिर सभी दलों के पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया। पूर्व पार्षदों ने टिप्पणी की है कि आयुक्त पालीवाल सार्वजनिक रूप से मीडिया से झूठ बोल रहे हैं। कमिश्नर विपिन पालीवाल ने जवाब दिया था कि आंदोलनकारियों ने गलत समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने आलोचना करते हुए कहा कि गलतफहमी हमारी नहीं बल्कि कमिश्नर पालीवाल की थी। हर किसी को अपने तरीके से मैनेज किया जा सकता है, यह आयुक्त पालीवाल की गलत धारणा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कमिश्नर की ऐसी भी गलतफहमियां जल्द ही दूर हो जाएगी। पानी पुरवठा करण्याचं एक काम ज्याच्यासाठी नुकतीच निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे, ज्याच्यासाठी 2 कोटी टर्नओव्हर आणि 1 कोटी बँक बँकांची मागण्यात आली, म्हणजे मोठ्या कंत्राटदाराला, मध्यस्थ्या कंत्राटदाराला देण्यासाठी हे कंत्राट काढण्यात आलं। पण गडबड अशी आहे की याच्यामध्ये यापूर्वी पुन्हा 2 कामं काढण्यात आले होते, कंत्राट काढण्यात आले होते एकाच कामासाठी, पाणी पुरवठ्याच्या, देखभाल दुरुस्तीच्या, यंत्रसामुग्री चालवण्याच्या, त्याचं मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स करण्याच्या कामासाठी 3 टेंडर काढले, 3 कंत्राटदाराची नियुक्ती, सगळे कामं सारखे आहे, एक फूल तीन माली असा हा प्रकार आहे। आयुक्त महाभ्रष्टाचारी आहे, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे। आयुक्तांच्या विरुद्ध कारवाई जर झाली नाही आणि पाणी पुरवठ्याचं खासगीकरण जर थांबवलं नाही तर आम्ही पूर्ण चंद्रपूर शहरामध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, जनतेच्या कोर्टात जाऊ, माननीय न्यायालयात जाऊ आणि आदरणीय पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब असतील किंवा आदरणीय आमदार धुरीवार साहेब असतील यांनी या मुद्द्याची दखल जर घेतली नाही तर त्यांच्याही विरोधात आम्ही जनतेमध्ये जाऊ, हा आमचा त्यांनाही इशारा। चंद्रपूर से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील तायडे की स्पेशल रिपोर्ट।